सच्चे की है। तो भाई जिनके पास 125 रुपए वाला कार्ड है वो कार्ड दिखाएं, अपना अपना कार्ड दिखाएं, हाथ में उठा के कार्ड दिखाएं, किस कार्ड से आपका इलाज हो रहा है। वो कार्ड ऐसे हाथ में लेके दिखाओ ना। शाबाश, वेरी गुड। इसके पीछे लिखा हुआ दिखाओ, 125 रुपया। हाँ दिखाओ दिखाओ, उस बहन जी का दिखाओ कार्ड, उस बहन जी के कार्ड लेके हाथ में दिखा दो उस बहन जी के। तो आगे भी उसमें दिखाओ ना, फोन में हो गए पुराने। सवा वाले पीछे की तरफ 125 रुपए चढ़े हुए दिखाओ, 1.1.25। आओ आओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ मेरे पास। जय शनिदेव सबको। तो 125 रुपए का रहस्य जान गए आप। आप अगर घर में चार आदमी बीमार हैं, बनू भैया के पास चारों 125 रुपया लेके आओ, पहली प्रथम चार बार के लिए। हमारी बीमारी होगी यानी कि आपको प्रेत बाधा होगा, प्रेत बाधा का लक्षण होगा, और प्रेत बाधा से आपको दोष होंगे, रोग होंगे, हम उनको नष्ट करने की कोशिश करेंगे संपूर्ण रूप से। आगे आ जाओ भाई, पीछे पीछे का हो, पीछे रहने में मुझे स्वाद नहीं आता, मैं कैमरे को फेस करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो हमारी विधाओं में सबसे बड़ी जो विधा है वो मनु भैया के पास है, और मेरा सारी विधाओं को चैलेंज है, आयुर्वेद, आगे ना एलोपैथ, होम्योपैथ, और कोई भी दुनिया में विधा है अन्य, और चाहे वो यूनानी है, और चाहे वो अंग्रेजियत की निशानी है, और चाहे वो कोई भी है ना। मुझे तो कल अटैक आ गया होता, मैंने देखा जो आयुर्वेद के बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो इंग्लिश में नाम लिख रहे हैं आयुर्वेद के शब्दों का, गुगलू, GUGGLU, आगे ना अजीर्ण, AJEERN, हिंदी के शब्दों को भी हिंदी में नहीं लिख सकते। आयुर्वेद का मतलब यह है प्योर हिंदी, प्योर संस्कृत भाषी व्यक्ति को आयुर्वेद दिया जाता है, लेकिन BMS के सारे बच्चे इंग्लिश में हो गए। अब वो जो है अपने ही शब्दों को यानी कि हिंदी की इंग्लिश बना के लिखते हैं तभी उनके समझ में आती है, उससे पहले वो समझ में नहीं आती है। आयुर्वेद, आयुर्वेद तो वैसे भी फैल, एक बाबा रामदेव जी हैं, यही नहीं समझता वो, यही नहीं समझ में आता मनु भैया के, तो वो धर्म के साथ हैं कि धर्म के खिलाफ हैं। आगे ना समझ में, कितने बड़े अवसरवादी हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव की कहे तो इतने बड़े अवसरवादी हैं कुछ हद नहीं। बागेश्वर वाले के साथ मिल गए, मैं भी हूँ, लेकिन कब साथ मिल गए, जब ये व्यक्ति ये कहता है, क्या कहते हैं कि भूत प्रेत तो होते नहीं, और बागेश्वर वाला तो हनुमान जी के नाम से प्रेत निकालता है। ये लो भाई, बाबा रामदेव की तो लुटिया गंगा में बह गई, डूब भी गई, पानी भी भर गया उसमें, ऊपर तक भर गया उसमें पानी, हाथ से गई झूठ नहाते नहाते बाबा रामदेव के, और लुटिया गई डूब, आगे ना समझ में, पानी में डूब गई। लो जी बाबा रामदेव बड़े कितने अवसरवादी हैं। अवसरवादी ये हैं कि जो उपाय कभी फ्री में बताए जाते थे वो उपाय एक जगह पैसों में इकट्ठे कर दिए। अवसरवादी ये हैं कि कई प्रकार की बीमारियों को निकालने के लिए बहुत मोटे मोटे पैसे का व्यापार उनके यहाँ होने लगा, वो खुद ले ना ले, लेकिन जनता के पास तो इतना पैसा नहीं ना कि वो अपने घर का गुजारा करें, अपने बच्चों को पालें, या आपके यहाँ इलाज में खर्च करें। लो जी 125 करोड़ रुपए का, लाओ कार्ड देखा, लो जी 125 करोड़ रुपए का इलाज, वो दो दूसरा, दो नए वाला, दो कोई वो दे, लो जी 125 रुपया लिखा हुआ है। 125 करोड़ की बीमारी मनु भैया 125 रुपए में ठीक कर रहे हैं। कितने की बीमारी, आगे कितने में, और लो जी ये सारे आयुर्वेद वाले, एलोपैथ वाले, और यूनानी दवा वाले, और जितने भी डॉक्टर हैं, लो जी ये 125 रुपए की बीमारी 125 करोड़ में ठीक कर रहे हैं। 125 करोड़ की बीमारी मनु भैया कर रहे हैं 125 रुपए में ठीक। लो जी ये ट्रस्ट का नाम लो, और ये कर रहे हैं 125 करोड़, 125 रुपए की बीमारी को 125 करोड़ में ठीक। लो जी बाबा जी कहते हैं कि भाई भूत प्रेत नहीं होते हैं। भाई जब भूत प्रेत नहीं होते हैं तो बागेश्वर वाला क्या निकालता है बाबा जी, तो बागेश्वर वाला घंटा बजा के क्या निकालता है बाबा जी, राम की सेना बुला के क्या करते हैं, है जी। लो जी अब ये नहीं पता बाबा जी ये अवसरवादी हैं या धर्म के साथ हैं या धर्म के खिलाफ है कि नहीं। आयुर्वेद हमारे धर्म का बहुत ही उत्तम ग्रंथ है, उस आयुर्वेद में प्रेत बाधा से संबंधित प्रेतोन्माद पिशाचोन्माद आता है, और बाबा जी भूल गए हैं आयुर्वेद में भूत प्रेत भी जिक्र होता है, और बाबा जी आयुर्वेद के नाम से बहुत बड़ी कंपनी बाबा जी ने लगाई हुई है। हमारे यहाँ राजीव दीक्षित जी थे, उन्होंने
आयुर्वेद का फ्री में प्रचार किया और वे नुस्खे निकाले जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी थी। बड़ी बड़ी बीमारियों को उत्तमता से उन्होंने बहुत सरलता के साथ ठीक, लो जी जीना मरना कुदरत के हाथ, वो चले गए लेकिन हमारा उनका साथ बराबर रहेगा ही। लेकिन बाबा जी का पता नहीं भाई, मुझे रामदेव बाबा जी धर्म के साथ है कि अवसरवादी है या धर्म के खिलाफ है। भाई भूत प्रेत मानते नहीं, आगे ना शनि ग्रह को मानते नहीं और ऐसे किसी भी अन्य ग्रह को मानते नहीं। बोले भाई शनि बैठ गया तो आप सारे पिचक जाओगे, वो तो धरती से भी बड़ा गोल है, आगे ना समझ में। तो भाई फिर बाबा जी से जानने की जरूरत है कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, पुराणों को मानना बंद कर दे, उनको अग्नि में स्वाहा कर दे। आप कहें तो है बाबा जी, भाई बाबा जी कहे तो पुराणों को अग्नि में स्वाहा कर दिया जाए। अब बाबा जी कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, लेकिन बाबा जी का धर्म का साथ कैसा है ये देखिए कि भूत प्रेत को नकारते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, भूत प्रेत को नकारते हैं और आयुर्वेद को मानते हैं, हैं आयुर्वेद आयुर्वेद पुकारते हैं और भूत प्रेत को नकारते हैं। अब बागेश्वर वाले क्या निकालते हैं, जोर से बोलो, भूत प्रेत निकालते हैं, है कि नहीं। हम तो प्रेत ही मानते हैं, हम तो कुपित वायु ही मानते हैं। लो जी कुपित वायु का इलाज मनु भैया खड़े खड़े करते हैं और बाबा जी भी देख लें अगर देख पाए तो। प्रेत होते हैं, थे, हमेशा रहेंगे। किसी बाबा के कहने से प्रेत नहीं रुकते हैं, किसी बाबा के कहने से प्रेत किसी के शरीर को नहीं छुएगा और ना छोड़ेगा। लो जी ऊंची नीची दशाएं आती है, इसका प्रमाण भी मनु भैया के पास है। मनु भैया का पहला जीवन निम्न दशाओं में गुजरा है और मनु भैया का आगे का जीवन उच्चतम दशाओं में गुजर रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। लो जी बाबा के यहाँ आज तक जितने गठिया और माइग्रेन के लोग ठीक नहीं हुए, अकेले मनु भैया ने कर दिए। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा धमाका है। लो जी सवा रुपए में ठीक कर दिया। जिस दिन मेरी वीडियो सब लोगों के हाथ में आ जाएगी उस दिन लोग समझ जाएंगे कि धर्म का प्रचार कैसे होता है और धार्मिक किसको कहते हैं और भगवान का कौन है और नाद कौन ज्यादा सुनता है और योगी किसको कहते हैं और भोगी किसको कहते हैं, ये भी समझ में आ जाएगा। मतलब के आप अगर ग्रस्त हैं, बाबा नहीं भी हैं, तो आप ही सबसे बड़े योगी हो और इन बाबाओं के पास जो सिद्धि नहीं वो आपके पास है। आगे ना जो प्रयास से मिले, अथक प्रयास से मिले, वही सिद्धि होती है। ठीक है, चाहे वो आपकी संतान हो, चाहे आपका बनाया हुआ घर हो और चाहे आपके जीवन में किसी उत्तम व्यक्ति की या उत्तम वस्तु की कोई कीमत हो। किसी महिला के लिए कानों के कुंडल भी तब सिद्धि बन जाते हैं जब वो उसके लिए अथक प्रयास करती है, अपने पति से लेके या उनके जो रिश्तेदार उसको दे के जाते हैं। ठीक है, जाते हुए विदाई समारोह में तो जो दे के जाते हैं 500-500, 300-300 रुपया, वो भी उसकी सिद्धि है, वो उसको जोड़ के संजो के रखती है, या अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाती है, या अपने कानों के कुंडल बनवाती है, या अपनी पाजेब बनवाती है, या अपने गले की चैन। तो ग्रस्त के पास जो सिद्धि है वो तो बाबाओं के पास भी नहीं है। ये ग्रस्त लो जी सन्यासी नहीं हुआ करते, क्योंकि सन्यासी को तो ग्रस्त के हाथ का कपड़ा भी नहीं पहनना होता। और ये ग्रस्त जो कि कहते हैं हम सन्यासी हैं, ये हमें बेटा बेटा करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या करते हैं, बेटा बेटा करते हैं। तो हमारे बाप हुए ना, और जब हमारे बाप हुए तो सन्यासी कैसे हुए ये भी बता दे हमें, फिर तो बाप काहे बनते हैं जी ये भी बता दो हमें। तो फिर बेटा बेटा करने की आवश्यकता क्यों है, फिर पिता पिता क्यों नहीं करते। लो जी बेटे के हाथ की डोली लेते हैं, रखते हैं, बेटे के हाथ के बनाए हुए कपड़े पहनते हैं, बेटे के हाथ के बनाए हुए घर में रहते हैं। लो जी फिर सन्यासी काहे के हैं, आगे ना सन्यासी वो है जो जंगल में जाके बैठा है और भगवान का नाम तब तक लेता है जब तक शरीर गल ना जाए, कंदमूल खा के रहता है और उसको किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं। लो जी सन्यासी वो है, यही वो आश्रम है जो ग्रस्त के बाद वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यास धारण करते हैं। लो जी भारत के धर्म की नींव भी खराब कर दी इन महात्माओं ने, बहुतों ने, ठीक है। और अब महात्माओं के ही कार्य बड़े बड़े होने लगे हैं। लो जी महात्माओं के नाम से बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई ग्रस्त हो उसके नाम पे हो तो ठीक है, आगे सब। लो जी एक एक दवाई कितने कितने की पड़ती है आपको पता है, हैं?
पता है एक एक दवाई कितने कितने की पड़ती है। आप बोले तो चीजें दुर्लभ हो गई है, उनको समेटना कठिन हो गया, और इनको बिना समेटे आप लोगों का कल्याण नहीं कर सकते, लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध नहीं करा सकते। लो जी, इनकी दवाइयों से जो ठीक ना होता हो और इनके टेस्टों में जो ना निकलता हो, उस टेस्टों को और आपका शरीर में दर्द रहता हो, कष्ट रहता हो, आपके 25 करोड़ रुपया लग चुके हों, 25 लाख रुपया लग चुके हों। एक आदमी ने कहा था, बनू भैया आपने 25 लाख बोला, मैंने तो अपनी बीमारियों के ऊपर 40 लाख रुपया लगाया। कल आया था ना वो आदमी, तो जिनके 25-25 लाख रुपया आज तक लग चुके हैं, हाथ उठाना जरा। जिनका 20-25 लाख रुपया लग गया, हाथ उठाना जरा। शर्माया मत करो, ये हमें दुनिया को बता रहे हैं। देखो इधर से हाथ उठाओ, ऊपर हाथ उठाओ। आपके 25 लाख रुपया कैसे लगे बताइए? 50,000 और डॉक्टर दवाई भी देता रहा साथ में। लो जी, एक बात डॉक्टरों की बता देता हूँ, ये सीधी सीधी चोरी है। जब आपके टेस्ट में कुछ नहीं निकल रहा, फिर आप का इलाज कर रहे हो? ओ बंडा फोड़ आगे ना, एलोपैथी का भंडा फोड़ इलाज में। आपके टेस्ट में कुछ आ रहा है तभी तो इलाज करेंगे भाई। अब जब टेस्ट में ही कुछ नहीं आ रहा तो इलाज काहे का, बताइए मुझे। लो जी, बताएं डॉक्टर साहब मुझे कि जब टेस्ट में कछु नहीं आ रहा है तो इलाज, जब टेस्ट में कुछ नहीं आया इलाज काहे कराए? फिर कहने लगे इन्हें न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ मेरे जाने। बोला तेरे टेस्ट में कुछ आया? नहीं, उसके टेस्ट में कुछ नहीं आया। फिर न्यूरोलॉजी को कहाँ दिखाया? उसको ITMS में। तो उसके टेस्ट में कुछ आया? नहीं। फिर उसने इलाज किया कि नहीं किया? इलाज किया, 2000 रुपए फीस के लिए, 4000 की दवाई दी 15 दिन की, और फिर वही ऐसी चलता रहा उसका इलाज, कम से कम 1 साल लो। 1 साल लो इलाज चलता रहा, 1 साल लो 1500 रुपए की। तो भाई लो जी, इनको भगवान गलाएंगे, सड़ाएंगे, अगले जन्म में कुत्ता बनाएंगे कि सुअर बनाएंगे, फिर कहते हैं हमने पाप नहीं किया। लो जी, पाप की खान है ये डॉक्टर। जब आपके टेस्ट में कछु नहीं आ रहा, बोलिए सारी दुनिया देखिए, बताइए मुझे, टेस्ट में कुछ आ रहा हो ठीक है करो इलाज। अब जब टेस्ट में ही कुछ नहीं आ रहा फिर काहे का इलाज? ऐसे कितने लोग हैं जिनके टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा हो, डॉक्टर इलाज कर रहा था, बताइए बताइए। जिनके टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा हो, डॉक्टर इलाज कर रहा था। अब टेस्ट में कुछ आ तो रहा नहीं था, डॉक्टर इलाज कर रहा था और पैसे आपसे ले रहा था। ऐसे कितने लोग हैं जो 10 लाख रुपए तक खर्च कर चुके हैं अपनी बीमारियों पे? हाथ उठाएं जो 10 लाख रुपए। देखिए उसकी, उस लड़की को पूछिए जाके, आपके पति, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा पीछे से, आपके पति क्या करते हैं? सिक्योरिटी में नौकरी करते हैं। सिक्योरिटी में नौकरी करते हैं। सिक्योरिटी में नौकरी वाला अगर अपनी पत्नी के ऊपर बीमारी पे 10 लाख रुपए लगाए, दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, और मैंने टेस्ट भी करवा दी थी तो उसमें ऐसी ऐसी हरकतें दिखा दिया करते थे कि मेरे ऐसा बता दिया था कि तेरा डिस्क खराब हो गया, बिल्कुल ऐसा दिखा दिया था टेढ़ी, और मैंने 1 रुपये की दवाई नहीं खाई डिस्क की, क्यों? मुझे पता था कि मेरा कुछ और ही है। तो भैया वो डिस्क अब अपनी अभी कैसे ठीक होगी? मैं इतनी परेशान हूँ, मैं बता नहीं, बयां नहीं कर सकती अपने घर में, बस भैया मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में इतने बड़े बड़े ईंट पत्थर, आराम लगने लगा अभी? हाँ थोड़ा सा आराम है, मेरे घर में इसे बड़े बड़े ईंट पत्थर फेंकते, और इतना बड़ा शेर का सा बच्चा घूमता है मेरे घर में, भैया मुझे मारते हैं, मेरे गालों में चाटे चाटे लगाते, हाथ ही हाथ दिखाई देता और कुछ नहीं दिखाई देता। लो जी, भूत प्रेत होते नहीं है, लोग दुखी हैं, डॉक्टरों से ठीक होते नहीं, और मनु भैया ठीक करते हैं। मनु भैया पूरे ब्रह्मांड में ये भी साबित करते हैं कि प्रेत होते होते थे और होते रहेंगे। लो जी, किसी के कहने से प्रेत का होना सिद्ध होना नहीं होता, हम तो सिद्ध करके दिखाएंगे। आइए हमारे यहाँ आइए बाबा जी, हम दिखाएंगे प्रेत होते हैं कि नहीं होते, हम ठीक भी करके दिखाएंगे, और ठीक ना करें खैर मूछ तो हम पहले से नहीं रखते, हाँ लेकिन मूछ वाले की सेवा करनी छोड़ देंगे जो मूछ वाला है। और एक बात बाबा जी, मूछ वाला दर्शन देता है, ये मूछ वाला शनिदेव दर्शन देता है बाबा जी को, ये भी बता देता हूँ, मूछ वाला दर्शन देता है, प्रसन्न होता है, जिसको आप शनि ग्रह कहते हैं। तो बाबा जी को पूछिए फिर, शांतनु की पत्नी गंगा कैसे आगे ना, अगर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ना हो तो स्थूल ये और सूक्ष्म वो, और स्थूल और सूक्ष्म दोनों ना हो तो शांतनु की पत्नी गंगा कैसे
बोलो। और फिर गंगा नहीं तो पांडवों का वंश कैसे, भीष्म कैसे, फिर भीष्म क्या टपके थे आसमान से? लो जी बोलिए, बाबा जी को पूछिए कि अगर आपने नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन आप ऐसे ना कहो अगर आप आर्य समाजी हो तो। सारे आर्य समाज देख लो जी, मैं इसी यज्ञ से प्रेत निकाल के दिखाऊंगा, सारी दुनिया आ जाए जी। मैं ये कहता हूँ आर्य समाज प्रेत को क्यों नहीं मानता, इसका आधार है। आर्य समाज कहते हैं यज्ञ करोगे, सत्य बोलोगे तो कदापि आपके घर में प्रेत नहीं आएगा। अब ना तो आर्य समाजी यज्ञ करते हैं ना सत्य बोलते हैं, उल्टे सीधे विवाह कराने में उलझे रह गए। लड़की कहीं की लड़का कहीं का विवाह करा दो, ठीक है। ये आर्य समाजियों के बहुत सारे काम हैं जो वो कर रहे हैं पूरी दुनिया में, आगे ना दुनिया भर में जगह जगह पे ऊंचे ऊंचे शहरों में, चाहे टॉयलेट भी छोटा सा हो वो शादियां करा रहे हैं रजिस्टर्ड मैरिज, आगे ना। ये आर्य समाजियों का केवल एक यही काम रह गया है, दयानंद जी को भूल गए, उनके उपकार भूल गए, उनके संदेश भूल गए, उनके उपदेश भूल गए, उनकी आध्यात्मिकता गए भूल, हैं मूल को गए भूल। हाँ जी, लो जी अब बाबा जी ये सुन ले कि मुझे यानी कि मनु भैया को ये बताए, क्या बताए कि आप धर्म के साथ हैं, धर्म के खिलाफ हैं या अवसरवादी हैं? ये तीन शब्द बाबा जी मुझे बताएं और तब हम देखेंगे कि बाबा जी अवसरवादी ही मिलेंगे ठोक के। मनु भैया बागेश्वर वाले के साथ है, हमारी वीडियो देख सकते हैं बाबा जी, लेकिन भूत प्रेत होते हैं, होते थे, होते रहेंगे, ये बात हम बाबा जी को भी सिद्ध कर देते हैं। तो बाबा जी आ जाएं, यानी कि बाबा रामदेव आ जाएं, मनु भैया का चैलेंज स्वीकार करें और फिर देखें आज तक उनके यहाँ मरीज ठीक ज्यादा हुए हैं या मनु भैया ने अकेले ने 125 रुपए में मरीज ज्यादा ठीक कर दिए हैं। ठीक है, एक बात, गठिया बाए आप अपने पूरे मरीजों को एक दिन में भेज दें, एक ही दिन में उनके दर्दों को कम कर देंगे मनु भैया, एक ही दिन में, एक ही दिन में, दूसरा दिन नहीं लगाएंगे। आप अपने यहाँ के माइग्रेन वालों को भेज दें, एक ही दिन में उनके यहाँ जो माइग्रेन वाले आ रहे हैं, क्योंकि वे एलोपैथी से थके वहां गए और उनको पता नहीं उनको भूत प्रेत है, उनके टेस्टों में भी कुछ नहीं आता, एक ही दिन में उनके 80% माइग्रेन वाले ठीक हो जाएंगे, एक ही दिन में 80% ये सर्वाइकल वाले ठीक हो जाएंगे, एक दिन में ही 80% डिप्रेशन वाले ठीक हो जाएंगे। बोलो शनिदेव महाराज। पूरे ब्रह्मांड को चैलेंज है, अगर कोई कहता है भूत प्रेत नहीं आते, या आओ पूरे सारे वैज्ञानिक समाज को वो है चैलेंज, यहाँ आओ। ये लोग समझते हैं कि प्रेत का एक बहुत बड़ा आकार होता होगा, टेंट जितना बड़ा, वो आपके शरीर में घुस जाता है, इनको पता नहीं वो मामूली सा एक तत्व है। अगर ये आत्मा को एक बिंदु मात्र मानते हैं तो शरीर से निकलने के बाद आत्मा वो बिंदु मात्र ही तो होता है, ठीक है। बस ये श्याम वर्ण होता है, आवरण चढ़ा होता है, थोड़ा गोलाकार दिखाई देता है और कई बार वो गोला बड़ा दिखाई देता है, कई बार वो बिल्कुल बिंदु मात्र ही दिखाई देता है, आपके माथे पे लगी बिंदी जितना ही दिखाई देता है वही प्रेत है, वो आपके शरीर में घुस जाता है, तरह तरह की बीमारियां करता है, मनु भैया जी उसी बीमारी को निकालते हैं। और ये बात बाबा रामदेव की जब समझ में आएगी तब तक अंधेरा हो चुकेगा, उनकी उम्र बीत चुकी होगी, तब वो समझाने के लिए वापस भारत में नहीं आ पाएंगे। और मैं तो कहता हूँ अगली बार भगवान उनको ऐसे घर में जन्म दे जहाँ पे भूत प्रेत ही भूत प्रेत हो, अपनी माता को ठीक कराते हुए, अपनी माता को अपने पिता को ठीक कराते हुए, ठीक है ना, किसी जो भूत निकालने वाले हैं उनके धक्के खाते रह जाएं, तब समझ में आएगा कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। और अपनी माता कैसे ढोंग करती है, अपनी बहन कैसे ढोंग करती है और कैसे हम अंधविश्वास फैलाते हैं, तब ये बात दिमाग में आ जाएगी। लो जी एक बात अंतिम और फाइनल इसी वीडियो में बता देता हूँ, अंतिम फाइनल ये बात है कि मुस्लिम लोग, यहाँ है कोई मुस्लिम भाई हाथ उठाए जो है तो है, कि मुस्लिम लोग अल्लाह को मानते हैं, किसको मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, तो जो मानता है वही तो पाएगा, इसका मतलब वो अल्लाह को पाते हैं तभी तो मानते हैं। हम उसको धर्मांधता कैसे कह सकते हैं, ढोंग अविश्वास और अंधविश्वास कैसे कह सकते हैं? लो जी जो गुरु नानक को मानते हैं वही तो गुरु नानक को पाएंगे। ए माता जी प्लीज, ए माता जी हाथ जोड़ के प्लीज,
लो जी, जो लोग गुरु नानक को मानते हैं, किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? जो मानते हैं वही तो गुरु नानक को पाएंगे, वही तो दसों गुरु की प्राप्ति करेंगे। जो नहीं मानते हैं वो दूर से समझे ये ढोंग करते हैं, ढकोसला करते हैं, अंधविश्वासी है। जो जी जो लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं वही तो उसको पाएंगे, जो नहीं मानेंगे वो ये कह सकते हैं कि ये ढोंगी है, ढकोसले वाले हैं, अंधविश्वासी है। लो जी जो लोग महावीर जैन को मानते हैं, भगवान महावीर को मानते हैं, वही तो उसकी प्राप्ति करेंगे। जो प्राप्ति नहीं करेंगे वो कह सकते हैं कि ये ढोंगी है, अविश्वासी है, अंधविश्वासी है। लो जी जो लोग मेरी तरह शनिदेव को मानते हैं, और जो बाबा रामदेव जैसे शनिदेव को नहीं मानते, उनके लिए तो ये ढोंग, ढकोसला और अंधविश्वास ही रहेगा। लो जी बाबा रामदेव ओम को मानते हैं, हमने कहाँ देखा, हमने तो प्राप्ति नहीं की, हमने ओम को भी नहीं देखा। लो जी अगर वो ये कहते हैं कि मैंने ओम की प्राप्ति कर ली तो वो हमें तो पता नहीं चलेगा। मनु भैया कहते हैं मैंने शनि दर्शन किया है तो दूसरा कैसे मानेगा? तुलसीदास जी कहते हैं मैंने भगवान राम का दर्शन किया है, अब दूसरे ने तो किया नहीं, वो माने या ना माने तो उसकी इच्छा पे है। लेकिन जब वो उसके साथ उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, जैसे बाबा योगी रामदेव ने मनु भैया की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने 20 साल रिसर्च किया, उनका इतना आयुर्वेद पे रिसर्च नहीं है जितना मेरा मंत्र शक्ति पे और 20 साल भूत प्रेत 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 आदि को पे रिसर्च है। भूत तो बाबा जी स्वयं ही है, भूत का मतलब ही होता है पंचभूत धारण किया हुआ ये शरीर, मनु भैया जी स्वयं ही भूत है। और आप सब लोग भी भूत योनि में आते हो, भूत योनि ही मनुष्य योनि है, जिसमें भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं सब भूतों के हृदय में रहता हूँ। और प्रेत एक अलग योनि है, अगर हमें वो दिखाई नहीं दे रही हम उसको नकारते हैं। तो लो जी मनु भैया ये कहते हैं बाबा रामदेव जी के लिए, या बाबा रामदेव जी मनु भैया के लिए कहते हैं कि आप ढोंगी है, ढकोसले वाले हैं, आप अंधविश्वासी हैं। लेकिन अगर मैंने सिद्ध कर दिया तो बाबा रामदेव के आसपास कहीं गंगा बहती होगी, क्या बहती होगी? गंगा बहती होगी, उसमें डुबकी लगा के बीच में अकेले जाके डुबकी लगा के स्वाहा अपने को यज्ञ में आहूत कर देना, क्योंकि मनु भैया प्रेत निकालते हैं। बागेश्वर वाले के यहाँ भी प्रेत खेलते हैं, उन प्रेतों को वो भगवान के नाम से निकालते हैं। पंडोखर वाले के यहाँ भी प्रेत खेलते हैं, उन प्रेतों को वो निकालते हैं। और फिर तो समाज में ऐसी बातें फैलाने का मतलब क्या है कि लोग धर्म के खिलाफ हैं। आप तो अपने हैं, आप ही धर्म के खिलाफ हैं, आप तो अपने हैं, आप तो आयुर्वेद के खुद के खिलाफ हैं, आप तो अपने हैं। जब आयुर्वेद में पिशाचोन्माद आता है, प्रेतोन्माद आता है, जब आयुर्वेद के नवे ग्रंथ में चरक संहिता के दूसरे पाठ में और नवे अध्याय में जब इतनी बड़ी बातें लिखी हुई है, तब जब जिस आयुर्वेद से आपका नाम चल रहा है, जिस आयुर्वेद से आपके यहाँ बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं, जिस आयुर्वेद से आपके मकान के पीछे जीना चढ़ा हुआ है, फ्लैट के पीछे का, जिस आयुर्वेद से आपको भारतवर्ष में संसार में जाना जाता है, अपितु उसी आयुर्वेद की चरक संहिता के प्रेतोन्माद को, पिशाचोन्माद को आप कैसे भूल जाते हैं? बाबा जी आपकी सेहत दुरुस्त रहे, बाबा जी आप पे भगवान की कृपा रहे, शनिदेव महाराज बाबा जी कपितु आपको ऐसे आवेश में ना लेके आवे कि आपको मेरे ऊपर क्रोध आवे, अपितु आप ये सोचे कि हमारी एक विधा हो गई है। अगर कोई आदमी करके दिखा रहा है और प्रेत का होना साबित कर रहा है, और किसी भी एलोपैथी से, आयुर्वेद से, और किससे बोलो, सबको बोल दो एक बार, यूनानी से, होम्योपैथ से, सबसे ज्यादा एक ही आदमी मंत्र शक्ति से, मंत्र औषधि से, यज्ञ की शक्ति से, यज्ञ औषधि से अगर आदमियों को ठीक कर रहा है, तो एक बार उसको समझ लो, जान लो, वो इतने आदमियों को कदापि ठीक नहीं कर सकता है जितने यहाँ ठीक होते हैं। तो जितनों को आराम मिला है वो हाथ उठाना जरा, बाबा जी को दिखा दें, ठीक है? तुम्हारा तो उठाए रखो भाई, एक बार बाबा जी को दिखा तो दे हम। लो जी बाबा जी, इन लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां दुरुस्त हो गई हैं, इनकी सेहतें ठीक हो गई हैं, और इनको किसी आयुर्वेद की आवश्यकता नहीं है। ये वो लोग हैं जो एलोपैथ से भी टूटे हैं, आयुर्वेद से भी टूटे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया ये सब आधे से ज्यादा झूठे
जय शनिदेव। जय शनिदेव महाराज की। जय शनिदेव। हो गया।